वर्ष 2014 की शुरुआत के साथ ही पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अर्थात भारत के राष्ट्रीय निर्वाचन का इंतजार शुरू हो गया। भारत के लोगों के लिए इसका अर्थ अपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प का प्रयोग करके प्रतिनिधिक लोकतंत्र के प्रति अपने संकल्प को दोहराना था, जैसा कि उन्होंने पिछले 63 वर्षों के दौरान प्रत्येक बार किया है। भारत निर्वाचन आयोग, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए भारत के संविधान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, इसके लिए एक बार फिर निष्पक्ष एवं उत्तम कार्य निष्पादन के माध्यम से अपनी पेशेवर निपुणता साबित करने का समय था। 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले आयोग ने सभी संबंधित पक्षों के साथ अनेकों बार विचार विमर्श किया। इनमें सुरक्षा, संचार, परिवहन और अन्य लॉजिस्टिक्स से जुड़े संबंधित पक्ष शामिल थे। इसके लिए मौसम एवं अन्य संकटकालीन परिस्थितियों का पूर्वानुमान शामिल था। इस विशाल आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए तथा सभी लोगों से जमीनी स्तर का फीडबैक प्राप्त करने के लिए आयोग और इसके अधिकारियों ने राज्यों का विस्तार से दौरा किया। इन सभी कार्यों के बाद लगभग एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय में 10 तिथियों में मतदान की घोषणा की गई। Ladies and gentlemen, we have great pleasure in announcing the commencement of the process for general elections to the 16th Lok Sabha, which is yet another milestone in the history of Indian democracy. और आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई, जिसका चुनाव लड़ने वाली 464 पार्टियों और 8000 से अधिक प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाना था। 1,30,00,00,000 लोगों के देश में 16वीं लोकसभा के साधारण निर्वाचन से ठीक पहले 83,40,00,000 लोगों को मतदाताओं के रूप में पंजीकृत किया गया। 12,00,00,000 मतदाताओं को जोड़ पाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो नामावलियों का कड़ाई से पुनरीक्षण करने और सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं तक पहुंचकर संभव हो सका। जनसंख्या, जातीयता और भूगोल की इन विविधताओं और जटिलताओं को देखते हुए बहुत से लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि समस्त संचालनों का नेतृत्व 350 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक छोटे से सचिवालय के सहारे 3 सदस्यीय आयोग द्वारा किया गया। वास्तव में ये कार्य आयोग के नियंत्रण में अस्थायी आधार पर लिए गए लगभग 1,10,00,000 स्टाफ एवं सुरक्षा कर्मियों के परिनियोजन द्वारा संभव हो पाया। अगर व्यापकता की बात की जाए तो लगभग 9,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जो बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर सुदूरवर्ती द्वीप समूहों और रेगिस्तानों में फैले हुए थे। पश्चिमी राज्य गुजरात में एशियाई शेरों के वनों में निवास कर रहे एकमात्र मतदाता के लिए भी एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया और पूरे दिन उसे खोले रखा गया। 15,50,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का एक बार फिर इस्तेमाल किया गया, जो भारत के समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई और अत्यंत सहायक मतदान मशीनें हैं। मतदाताओं को और विश्वस्त करने के लिए सीमित संख्या में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट को आजमाया गया। भारतीय मतदाताओं को पहली बार अपनी ईवीएम में नोटा, जिसका अर्थ इनमें से कोई नहीं है, नामक बटन का विकल्प दिया गया, जिसके द्वारा वो सभी उम्मीदवारों को अस्वीकृत कर सकते थे। देश भर के सभी मतदान केंद्रों में विशेष कैंपों के माध्यम से नागरिकों को निर्वाचक नामावली में अपने नामों की जांच करने और पंजीकृत करवाने का एक और मौका दिया गया। This is our land. This is our rocky home. My brothers, my sisters, believe.
इन निर्वाचनों के लिए लोगों और सामग्रियों को जुटाना किसी भी इवेंट मैनेजर के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। कठिन भूभाग, खराब मौसम, ट्रांसपोर्ट लिंक्स के न होने और कुछ एक स्थानों पर अतिवादियों के खतरे की चुनौतियां थी, जिन्हें एक एक करके निपटाया गया। जेट विमानों से लेकर देसी नावों, खच्चरों एवं ऊंटों तक सभी को काम पर लगाया गया। पीठ पर भारी सामान का बोझ उठाए और कई दिनों तक पैदल चलते मतदान कर्मी देखना कोई असामान्य दृश्य नहीं था। मतदान प्रक्रिया के सभी हिस्सों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, जिसमें बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग किया जाना शामिल है, इस निर्वाचन की एक विशेषता थी। राजनीतिक दलों द्वारा चलाया गया प्रचार अभियान बड़ा आकर्षक था। उसमें मेगा रैलियों, नुक्कड़ बैठकें और घर घर जाकर संपर्क करना आदि शामिल थे, और कभी कभी मानकों से हटकर इसमें हाजिर जवाबी और आक्रामकता का पुट भी होता था। प्रचारकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया का सकारात्मक और असकारात्मक दोनों ही तरीकों से भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। आयोग और इसके अधिकारियों ने कई प्रकार की जांच पड़तालों, दस्तों और निगरानी दलों के माध्यम से इस बात पर पैनी नजर रखी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो तथा खर्च निर्धारित मानदंडों से अधिक ना हो। आयोग के सामने शिकायतों तथा प्रतिद्वंदियों के तर्क वितर्कों की भरमार रही, लेकिन सभी ने आयोग के निर्णय को अंतिम और निर्णायक माना। आयोग ने मतदान कार्यवाहियों पर सीधी नजर रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में हजारों की संख्या में केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भेजा। My vote is my voice. My vote is my power. It takes just one. वर्ष 2014 में निर्वाचन व्यवस्था पूरी तरह से मतदाता के इर्द गिर्द केंद्रित रही। आयोग के एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वीप, जो सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचकीय सहभागिता का लघु रूप है, के अंतर्गत मतदाताओं के बीच सूचना, प्रेरणा और सुविधा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भांति भांति के कार्यक्रम किए गए। जन जागरण आयोजन जैसे मानव श्रृंखलाएं, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और खेल स्पर्धाएं देश भर में चारों ओर देखी जा सकती थीं, और इन सभी ने राष्ट्रीय निर्वाचन को सही अर्थों में लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव बना दिया था। मतदान केंद्रों पर मतदाता की मदद करने वाले और अधिक उपाय किए गए और सुविधाएं प्रदान की गईं तथा आदर्श मतदान केंद्रों की संकल्पना लागू की गई। इसके बाद मतदान दिवसों के दिन भारतीय मतदाताओं ने, जिनमें महिलाएं, युवा जन, यहां तक कि अत्यंत वृद्ध एवं निशक्त जन शामिल थे, अनेक स्थानों पर चिलचिलाती गर्मी एवं प्रतिकूल स्थितियों का सामना करते हुए मतदान केंद्रों का रुख किया। इनमें 97 साल के श्री श्याम शरण नेगी भी थे, जो स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले मतदाता हैं जो आंधी या तूफान किसी भी परिस्थिति में अभी तक किसी भी निर्वाचन में मत डालने से पीछे नहीं रहे हैं। इस बार भारतीय राष्ट्रीय निर्वाचन में सबसे अधिक मतदान 66.44% दर्ज हुआ, जबकि 2009 में 58.19% मतदान हुआ था। लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ रूप का दृश्य प्रस्तुत करते हुए इस बार पिछली बार के मुकाबले लगभग 14 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत 55% से बढ़कर 65% हो गया। वोटिंग के बाद सोशल मीडिया पर इंक सेल्फीज में पोज दे रहे वोटरों का पोस्ट करना
निस्संदेह एक नए फैशन स्टेटमेंट के रूप में सामने आया। जहां हर एक वोट मायने रखता है, वहां मतगणना प्रक्रिया भी त्रुटि मुक्त और सबसे अधिक पारदर्शी होनी चाहिए। मतदान प्रक्रिया के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रेक्षकों, राजनीतिक दलों और मीडिया की उपस्थिति में एक ही दिन मतगणना दिवस को खोली गई। कुछ ही घंटों के अंतराल में भारत के लोगों और दुनिया ने जान लिया कि अगली सरकार की रूपरेखा क्या होगी। परिणामों की घोषणा के 48 घंटों के भीतर 3 सदस्यीय आयोग द्वारा सभी विजेता उम्मीदवारों के नामों वाली सम्यक गठन अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी गई। भारत में लोकसभा निर्वाचन 2014 का संचालन देश के जीवंत लोकतंत्र का एक और प्रमाण है। भारत निर्वाचन आयोग को इस बात पर गर्व है कि उसने हरेक बार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने की अपनी शानदार परंपरा को इस बार भी बरकरार रखा।